नमस्कार दोस्तों, मैं भीम पंडित आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। अभी तक हम आधे से ज्यादा चैप्टर कर चुके हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? उपनिवेशवाद चैप्टर, उपनिवेशवाद और बिहार, जिसके अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि भारत के एक छोटे से गोलू से मोलू से भारत के ऊपर अंग्रेजों की काली छाया, वैसे गोरी छाया होगी उल्टी तो वैसे हमने काले और गोरे में भेद कर दिया। वो गोरे हैं लेकिन उनका दिल काला है। नहीं यार, हम काले को क्यों गंदा मान रहे हैं? सोचो, बेकार छाया बोलेंगे, ठीक है? बेकार छाया, बुरी छाया पड़ी, बुरी छाया। जो हमारी सोने की चिड़िया था उसकी बत्तख पार दी किसने? ब्रिटेन वालों ने हमारी बक्कल तार दी। जो सोने की चिड़िया थी साड़ी, कब अंग्रेजों ने ये कहानी कब से चालू करी? 1600 में ये आए फुलवड़ी और कुरकुरे लेके। 1600 तब चार, तब 1600 1757 पहली लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, दूसरी लड़ाई, प्लासी यहाँ से खुद को मजबूत कर लिया है ना, कर लिया। नहीं चला भाई, देख ले, ओए निकम्मे इधर देख ले। फिर 1764 के बाद वो आई थी इधर ईस्ट इंडिया आई थी, 1608 में, और 1615 है ना सत्ता, इसमें लड़ाई हुई पहली बार बंगाल पे कब्जा, फिर दीवानी भी ले ली इलाहाबाद की, है ना, बक्सर का युद्ध हो गया और दिल्ली वाला भी हो गया है ना, वही 64 में हुआ था। इसके बाद यहाँ से कहाँ तक 1857 तक किसका राज था? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 से लेकर 1947 तक किसका राज था? यहाँ ब्रिटिश क्राउन का, ये तो बीसी सही है, तो सही लिखा। हाँ हाँ 1857 में हुई थी ना, इनकी अटेंडेंस दिखाई थी, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया पता है? इस चैप्टर में पढ़ लिया अंग्रेजों ने अपनी यहाँ पे जड़े कैसे मजबूत करी थी अपने गुड्डे के, हाँ भारत में गुड्डे कैसे टिकाए थे, ठीक है, गुड्डे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। क्योंकि पहले अंग्रेज केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे, व्यापार करने आए थे, धीरे धीरे कैसे कब्जा करा, हमें चॉकलेट खिला के मौज ले गए ना, दिल दिल पे करते करते जान ले गए। जब ज्यादा फायदा होगा तो ब्रिटेन की क्राउन जान जान कर दे, ब्रिटिश क्राउन। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी सही से काम नहीं कर पा रही थी ना, ईस्ट इंडिया, जब ये 1857 का विद्रोह हुआ तो इनकी बहुत बेइज्जती हुई ब्रिटेन वालों की। ब्रिटेन को पता लगा ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत मौज ले रही है व्यापार के नाम पे, ज्यादा फायदा ले लिया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी गले पे हाथ रख के बोला केवल तुम व्यापार करोगे और सारा हम संभालेंगे, तुम्हें कुछ नहीं आता, समझ आया? अब सुनो, रैयत के बारे में भी हम जान चुके थे ना, देखो रैयत मानते थे कि पुरानी जमींदारी ही जमींदारी उनका अन्नदाता है और वे उसकी प्रजा है, इसलिए जमींदार की बिक्री के लिए उनके स्वाभिमान और गौरव को चोट पहुंचती थी। बिल्कुल सही, देखो जो रैयत थे, अरे मेरी बात सुन लो देवियों, रैयत कौन थे? किसान। रैयत कौन थे? किसान। और ऐसे ही रैयत वाली व्यवस्था थी, रैयत थे किसान, इसको रैयत बोलते हैं, रैयत नहीं रैयत, ठीक है, रैयत किसान थे, ठीक है। और ये रैयत ना इस वजह से परेशान हो रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि जमींदारी कौन छीन ले रहे थे? जमींदार, जोतदार लोग, राजा, अब अंग्रेज, अंग्रेज, अरे जमींदार तो पहले से भी थे ना, अंग्रेज थे जो जमीन छीन ले, जब मुगल थे जमींदार तब भी थे, मुगल नहीं थे उससे पहले भी जमींदार थे, जमींदार तो कब से आ रहे हैं भारत में थे, और जमींदार अपनी जाति के थे, अपने गांव के थे, चिंटू ही था अगला, गलती जमीन में ज्यादा होगी, समझ आ रहा है? तो जो भारतीय लोग थे ना किसान, उनसे थोड़ा है ना दिल लगी थी इनकी जमींदारों के साथ, कि चलो मारता है पीटता है कैसा भी अपना पति है, तो समझ आ रहा है, मेरा पति मेरा देवता है, हाँ, मारता है पीटता है मेरा पति मेरा देवता है, वो वाला सीन था। जैसे मारते मारते करवा चौथ का भी व्रत भी तो रखी है, ए, रहा नहीं जाता सही है, करवा चौथ का व्रत बता रही हूँ, बता दिया भाई, तू भी गुजारा करवा चौथ रखूंगा सही है यार, ऐसे कैसे पता लगे, उसका पूछो, ठीक है, रखा उसने स्माइल से, बता रहा इस उम्र में खा लो भाई, ये तो 25 साल बाद घुटनों में दर्द होगा, फिर बोलोगे पहले खा लिया होता व्रत नहीं रखा, अच्छा भाई सही स्मार लग रहा है, ओके ये कर लो, रोने के दिन आ रहे थे, सुनो क्या कैसे रोने के दिन आ रहे हैं भैया, तुम डरा के रहे हो, अरे मजे ले रहा हूँ बस, समझ जा, सुनो कुछ गड़बड़ सी लगी, देखो 1813 में, देखो 1813 आ रहा है, कब आ रहा है? 1700 में मौज ले ली इन्होंने, 1800 देखो यहाँ से यहाँ पे अभी कौन शासन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ध्यान रखना, पता है अगर ऊपर अभी आगे जाके भी पढ़ाई करोगे ना, जैसे थाने के एसआई का पेपर होता है, थाने इंचार्ज एसएचओ का पेपर होता है, ठीक है, उन सबके पेपर बीए लेवल पे दिए जाते हैं, तो उसमें सारी बातें पूछते हैं, ठीक है, हाँ ये सारी कांस्टेबल में नहीं पूछते, देखो कब आए 1757 से पहली बार इन्होंने कदम रख लिया बंगाल में, बंगाल पे कब्जा ब्रिटेन का है ना, प्लस पॉइंट, फिर 1764 में बक्सर पे कब्जा ब्रिटेन का, प्लस पॉइंट है ना, ये चल रहा है। अब इसी के साथ साथ ही गाड़ी आगे बढ़ रही है, कहां पे आ रहा है, 1800 का समय आ गया, 1800 तक में मैं गिन रहा हूँ। अब इसी के बीच में अलग अलग कांड हुए, नियम कानून लाए, कौन लाया?
ये ब्रिटेन की सरकार नहीं लाई है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी उनको बेवकूफ बना बना के अपना काम कर लिया। क्योंकि अगर ये बता दी कि हमने तो पूरा ही कब्जा कर लिया है तो ब्रिटेन की सरकार नहीं बोलेगी तुम क्यों कब्जा कर रहे हो, तुम्हारे को क्या, तुम्हें तो हमने केवल व्यापार करने के लिए भेजा था, समझ आ रहा है। तो देखो ऐसे ही 1813 पहुंचते हैं, 1813 में ना कौन, ब्रिटेन, ब्रिटिश की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या भेजती है, एक रिपोर्ट भेजती है, पांचवी रिपोर्ट का, हाँ यही नाम है उसका, क्या नाम है, पांच रुपए की रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट, ठीक है। 1813 में ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश की जाती है, ठीक है, यह है उन रिपोर्टों में से पांचवी रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन सुनना तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी, इसलिए इसे पांचवी रिपोर्ट के नाम से जाना गया। क्या हुआ कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी काम के एवज में टैक्स किसको दे रही थी, अपनी सरकार, पहले तो हमें भी देती थी लेकिन अब तो हम पे कब्जा कर लिया तो हमें अच्छे से टैक्स नहीं दे रहे लेकिन अपनी सरकार को तो देंगे। तो ना जो ब्रिटिश क्राउन के जो एम्प्लॉय थे ना, जो देखते थे कि टैक्स तो चोरी नहीं करी कहीं ईस्ट इंडिया, ये तो कंपनी है ना, तो इस कंपनी की जांच के लिए दो अधिकारी भेजे जाते थे, वो आते थे इंडिया में, देखते थे कि ब्रिटेन के मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय काम कैसे करें। जैसे तुम्हारी कंपनी हो, तुम्हारी कोई बड़ी कंपनी तो कंपनी में दो तीन जासूस नहीं लगाओगे, वो देखो कंप्यूटर पे कौन मूवी देख रहा है विंडो डबल विंडो खोल के, वो तो नहीं एम्प्लॉय काम करने के बहाने से मूवी देख रहे थे, जैसे आते हैं कंप्यूटर तुरंत बदल लेते हैं, देखो सर काम कर रहे हैं, पापा जैसे है चैनल बदल दिया, ठीक है कोई वाला नहीं, ठीक। तो यही क्या पांचवी रिपोर्ट पेश की गई, ऐसे चार रिपोर्ट पहले आ गई थी, पांचवी रिपोर्ट 1813 में पेश करी गई, कहां पे पेश की गई, जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड की संसद में, संसद है इंग्लैंड की वो जिसमें नियम कानून नेता लोग बैठ के बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी संसद है, राष्ट्रपति भवन के बगल में बिल्डिंग देखेगी बहुत ऊंची सी, इसके बड़े बड़े खंभे हैं, जैसे संसद भवन है उसके अंदर हमारे नेता लोग बैठ के भारत के ऐसे के लिए नियम बनाते हैं। हाँ और अच्छे दिन आ जाएंगे थोड़े दिन में, जब लेटर 1200 का हो जाएगा सभी लूट लेंगे भैया, तुम एक दूसरे के नशे नशों में से खून चुराओगे। लगन क्या कर दिया, सुनो फिर तुम ये नहीं बोलोगे लाओ दिवाली पे तुम मुंह मीठा करे, लाओ दिवाली पे सिलेंडर बनाए, तुम ये बोला करोगे, अगर खुशियां बांटेंगे तो सिलेंडर लाए, हर प्रचार में सिलेंडर की बात होगी, बेटी के दहेज में भी दो सिलेंडर मांग लेंगे कि दो सिलेंडर दे दो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, स्प्लेंडर से सिलेंडर ला देंगे, बोले छोरा सुझे भी तारा का सिलेंडर का शौक, बोले छोरा सुझे भी तारा का सिलेंडर का शौक, दो सिलेंडर का रख के छोड़ दो अमीर, वो उस समय वैल्यू हो जाएगी, जैसे आज के टाइम में आईफोन ले रखा तो अमीर है, उस समय जाएगा कंधे पे सिलेंडर लेकर घूम रहे, प्याज वालों की भी, हाँ प्याज वाले भी, हाँ बिल्कुल सही है, कितने बोला अच्छी बात बोली, प्याज का भी मरोड़ आ जाती है, प्याज और टमाटर भी तो लगे, हाँ अलग ही बदमाशी चलती है, पता नहीं अचानक से गुस्से में महंगे हो जाते हैं, पता लगता है कल तक तो प्याज में चाप में भी मिल रही थी, बोला भाई चाप में प्याज नहीं मिलेगी महंगी होगी, 20 रुपए की चाप में प्याज नहीं मिलेगी भाई, ऐसा कल तक तुम फ्री में दे रहे थे, बोला किलो प्याज, सुनो भाई हाँ पांचवी रिपोर्ट समझ गए, तो पांचवी रिपोर्ट क्या थी, अंग्रेजी अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी की रिपोर्ट बनाते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बेईमानी हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टैक्स कितना कमा रहे हैं क्या, मतलब पूरी रिपोर्ट बनाती है, जैसे तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड होता है ना, हाँ। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ संसद में, ठीक है, इसी को पांचवी रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है सुनो। ब्रिटेन के औद्योगिक ब्रिटिश माल के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे, हाँ बिल्कुल सही, कई राजनीतिक समूहों का तो यह तक कहना था कि बंगाल की का विजय लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं, बहुत तगड़ी बात है, देखो इंग्लैंड पूरा बहुत बड़ा है ना, ठीक नक्शे में भी देख सकते हो, भारत इधर है, ये भारत यहाँ पे उड़ते उड़ते आओगे, यहाँ पे अफ्रीका, अफ्रीका से पड़ जाओगे इंग्लैंड, वहां पे चित्र में देख सकते हो, ठीक है। अब जो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी तो केवल दो नन्हे मुन्ने चार पंदों से एक कंपनी बनाई है बस, यहाँ तो हजारों कंपनियां होंगी, भारत में हजारों कंपनियां नहीं है क्या, पर एक ही मार्कर की 50 कंपनी होगी, सूर्या मार्कर, लक्ष्मी मार्कर, फलाना मार्कर, पुन्नू मार्कर, नुन्नू मार्कर, है ना, अलग अलग लक्ष्मी बम, घोड़ा चाप बम, बम बम, बम चिक बम बम, अलग अलग तराने बम, ठीक है। तो जो यहाँ की और कंपनियां थी ना उनको अब चुल्लोने लग गई, जब उन्हें पता लगा ना बंगाल को भी जीत लिया है और इतने दिन हो गए ये बंदे फुल पैसा कमा रहे, तो इन्होंने बोला अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोल के आई थी कि ईस्ट में केवल हम ही व्यापार करेंगे, इसीलिए तो नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था, अब इनको बोल लेते ब्रिटेन की संसद में कि भैया इनसे चार्टर छीन लो, जो इनके साथ वो कराए ना समझौता सिग्नेचर करके एफिडेविट का सिग्नेचर, उसका एफिडेविट खत्म करो, हमें भी अधिकार दो यहाँ जाने का, और संसद में बोलने लगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स की चोरी कर रही है। अब हर बंदा चिढ़ता है यार, आगे दूसरे की तरफ की देख के, दूसरी कंपनियां तो जलेंगी, सैमसंग वाले वीवो को देख के चलते हैं, वीवो वाले ओप्पो को देख के चलते हैं, हर बंदा एक दूसरे को जल रहा है, बगल वाली इधर वाली को देख के चल दिया, उधर वाली इधर वाली को देख के चल दिया, मोटी पतली को पतली, मोटी को लंबी, छोटी को छोटी लंबी को, कोई खुशी नहीं, समझ आ रहा है, खुश तू बस नहीं होना, बस अभी तुमने टाइम से मिलवा दी भैया, पता है भाई यार होता रहता है सब तो लाइफ में, क्या भैया तुमने और पता नहीं क्या क्या माइंड में आ रहा है, बस माइंड में आना ही चाहिए, लेकिन बस ये समझ के रहे ये बोतल है ना, ये बोतल है, इसके अंदर कुछ है नहीं है, समझ गया नहीं, अब मैं ज्यादा इतना समझ गया, सुनो भाई सुनो, नहीं यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 18 साल की उम्र है अभी, तो पूरी जिंदगी बाकी है, जमाना बाकी है, वो तेरे को अच्छी तरह समझ आएगी यार, मैं नहीं समझा पाऊंगा,
ठीक है, वो मैडम का नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत। मैडम पांचवी रिपोर्ट के बारे में बताएंगे क्या को। सुनो भाई, तेरे लिए तो 18वीं रिपोर्ट होगी। सुनो भाई, तो पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जो एक प्रवर, कैमरे में आ रहा हूँ कि छोटा पड़ रहा हूँ, थोड़ा अपनी ऐसे कुछ आ रहे हो कब तक। सुनो भाई, बैठ भी लेते ना, थोड़ा स्टाइल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुनो भाई, तो पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जो एक प्रवर समिति ने तैयार करी थी। मैं क्या बता रहा हूँ, इसी वजह से कुछ लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जांच करने गए थे। और हमारे यहाँ नहीं होता क्या, हमारे यहाँ तुम्हें पता है, हमारे यहाँ पता है एक सीएजी होता है, एक सीजीआई होता है, कैक होता है, पता है कैक, इनको नहीं पता ना, ये नन्ने मुन्ने पुल्लू नन्नू, इनको क्या पता कैक क्या होता है, तुम में से किसी को नहीं पता होगा, मान लो चलो उसको पता है क्या होता है, केक आ रहा है घर में, क्या होता है कैक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये ऑडिट करता है, ऑडिट का मतलब खाता ऑडिट करता है, जितना भी खर्चा करती है ना भारत की सरकार, एक एक खर्चे का हिसाब इसे रखना पड़ता है, एक पोस्ट होती है सरकारी, कैग ऐसी सीजीआई होता है, कंट्रोलर नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के। और आज ही बदले, कौन है तुम जानो ना कौन है, आज ही तो पहले बदला, पहले छोड़ कौन है, पहले हीरालाल जेकानी, हीरालाल जेकानी पहले, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, एक यही तो तुम्हें पता करना है, मैं बता दूंगा तो हलवा बनाया बनाया मिल जाएगा ना, तो तुम घर भी साओगे ना तो तुम कुछ है। और दूसरा भैया भाई, अदू बनाया से घर में घबरा मत, ये दूसरा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसका काम होता है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, इसका काम होता है भारत के जो वित्तीय व्यवस्था है ना उसको ऑडिट करना, सरकार क्या खर्चा कर रही है, कितना चुरा रही है, क्या कर रही है, सब कुछ ऑडिट करता है, एक एक चीजें लिखता है बकायदा। हाँ मोदी जी वहां गए थे पेट्रोल का कितना खर्चा है, चलो बताओ, वो तो अंदर अंदर सब ले रहे, वो कैमरे में है ये भाई, मैं गलती से बोल गया, ईमानदार होता है, सब ईमानदार है, प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई है नहीं, मोदी जी तो मैं तो मोदी जी इसको जानता हूँ बस, पेट्रोल सबका खर्चा भी बताते हैं, सच बताते हैं, ये भी बता देता दांत में तुम्हारे मांस का टुकड़ा फंसा है या पनीर फंसी है, मतलब कुछ भी, अरे ये ऑडिट करता है पूरा खाता जितना भी सरकार खर्चा करती है, और ये तो भारत के सुप्रीम जज, सुप्रीम जज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी मैंने तीन चार पांच दिन पहले एक लॉ बताया था, एक लड़की और एक आदमी ने मिलकर बदला था, और मैंने हिमा दास के साथ, बस वही बने, चंद्रचूड़ और हिमा, जस्टिस चंद्रचूड़, ये हमारे नए सीजीआई है, सुप्रीम कोर्ट के जज, मेन अकेला पूरे देश का सबसे बड़ा बंदा, जज सबसे बड़ा जज, समझ गए, अजय अगर सजा से बचना हो तो इसी से माफी मांग लियो, उसको टेंशन ज्यादा लग रही है, मैं तो मजे ले रहा हूँ, खा मखा खा, अरे भाई इतना मत क्या एक आंख में लाल हो गया, अरे मजे ले रहा यार, तू जानता है मैं कितना मजे लेता हूँ, सुनो आपके मजे वाले मेरे को थोड़ा बहुत पता था ना पहले से, अच्छा सुनो यार, मेरे को मत चाहिए, जब अपने घर की नींव कच्ची हो ना तो घबराते नहीं है, घर से बाहर भागते, भरोसा अरे यार वो खाम का ही सोच रहा है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, अरे पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तू समझेगा नहीं, छोड़, मैं तेरे को बाद में बताता हूँ, अभी जाने की बात बताता हूँ, अभी सारी बात अपने ऊपर ले रहा है, अबे स्क्रैच लग 30 से है भैया, गोलगप्पे सुनो, सुनो पांचवी रिपोर्ट समझ गए, और यह रिपोर्ट भारत, पांचवी रिपोर्ट क्या है आपको, अजय को भी ऐसी आ रही है, पूछ रही पांचवी रिपोर्ट क्या है, कैमरा इसकी तरफ, ये है ये पूछ रही पांचवी रिपोर्ट क्या है, मुंह छुपा रही है, नहीं मैं मुझे पता नहीं है, ये जो आपने बताया पांचवी रिपोर्ट क्या है, कहाँ पे थी, मेरे गोलगप्पे खाली और पता भी नहीं, बेटा पांचवी रिपोर्ट ऐसे थे, ₹5 में मिल गई थी, सुनो ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी थी, इन पे नजर रखने के लिए ब्रिटेन क्या करता था, अधिकारियों को नियुक्त करता था कि जाओ देख के आओ ये बदतमीजी तो नहीं कर रहे, तो ऐसे चार बार हो चुका था, पांचवी बार जब बंदे भेजे गए थे ना उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, देखो हाँ इसने ये कांड करा ये कांड करा, वो रिपोर्ट बनाई गई थी, उसको पांचवी रिपोर्ट कहा गया, और वो ब्रिटेन की संसद में पेश करी गई थी, ये देखो ये तुम्हारे ये तुम्हारे लाल, ये देखो भैया ब्रिटेन की संसद में, इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही है भाई, ब्रिटिश सर उसके बारे में बता रखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत कुछ था, ऐसे नहीं बता सकता ना मैं, अब ऐसे जो मैं बताऊंगा तुम्हें समझ नहीं आएगा, टैक्स के बारे में बता रखा था, जो ये काम चोरी कर रहे थे ना, और जो इंडियन के साथ बुरा हो रहा था, जो ये कर प्रणाली भी थी, इन सब के बारे में बता रहे थे कि इतना इतना टैक्स ले रहे हैं लोगों से, जबकि हाँ जबकि उनके पास फसल भी नहीं है, फसल भी खराब हो गई तब भी टैक्स ले रहे, ये सारी चीज बताई थी उन्होंने, लेकिन इसको भी अनदेखा कर दिया गया था, हाँ इसको भी अनदेखा कर दिया गया, तभी तो 1857 की क्रांति हुई है, सब कुछ थोड़ा बहुत एक्शन लिया था, पूरा पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करते तो अच्छे से नहीं होता था, सुनो भाई ये कब आई थी रिपोर्ट, 1813 में मेरे मुन्ना, दर्द होता है यहाँ पे मेरे, सुनो भाई
आए दोनों पांच रिपोर्ट समझ गए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया और उसके अनुसार ये पहाड़ियां अभेद्य लगती थी। यह एक ऐसे खतरनाक प्रदेश था जहां बहुत कम यात्री जाने का साहस करते थे। 19वीं शताब्दी में एक बुकानन नाम का बंदा था। कौन बुकानन? वो बुक लेके चलता था। उसने राजमहल पहाड़ियों का बुकानन नंदनीय नंद गया नंद भयो जयगण यलार की बुकानन। बुकानन ने क्या करा? पहाड़ियों का दौरा करा और पहाड़ियों में जाकर सब पता लगा यहाँ जाना हानिकारक। यहाँ पे दो तरह के लोग रहते थे। यहाँ पे बहुत तरह के लोग रहते थे। जाओगे तुम जिंदा आओगे तुम हैंडीकैप। आते आते तो पता ही नहीं लगेगा तीन उंगली और एक हाथ कहाँ गया और रेंगते हुए आ रहे ऐसे ऐसे करके। बोले हमारे उतना ही बचेगा हिस्सा शरीर का जिससे घर पहुंच जाओ कि हाँ मेरा लड़का है मेरी लड़की है। मुंह छोड़ देते हूँ नाक को काट लेते हैं सहरा ना। अरे मजे ले रहा हूँ यार। नहीं लेकिन वो वहाँ पे जंगली लोग रहते थे ना। अमेरिका मैं बाहर आते मतलब किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की बात कर रहे हैं। ये हुलू क्या है? मतलब मुझे एक ही आदिवासी नहीं होते कि मुंह पे आदिवासी बहुत तरह के होते हैं। तो आदिवासी इंस्टाग्राम पे फेमस मान ले तो आदिवासी केवल वहां जिन्होंने काला लगाया तीन तिल्ली सर पे और बाहुबली में बाहुबली तेरी वीडियो डालूंगा। चलो अब कल करेंगे ठीक है। अब तुम आगे प्रोफाइल बनाओ चलो वीडियो सब कर दियो तो भेज दिया।